हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। वाकड़े, मैं तेरे पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जो तुमने आज गू किया है वो गू देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि थलापति विजय की अपकमिंग मूवी का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, जिस मूवी का नाम है बीस्ट। देखकर पोस्टर कैसा लगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन थलापति विजय के लिए तुझे सलमान खान की जरूरत पड़ी, उसके फर्स्ट लुक को प्रमोट करने के लिए सलमान खान की जरूरत पड़ी, या सलमान खान की जरूरत तुझे थलापति विजय को प्रमोट करने के लिए नहीं बल्कि तेरी वीडियो को प्रमोट करने के लिए पड़ी है। ये इसी तरह की हरकत वो गिरगिट मैडम जो दीदी है, जो यूट्यूब इंडिया की जो दीदी है, वो ये सब हरकत करती थी और तुम लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, मैं भी क्रिटिसाइज करता था, लेकिन आज वही सारी हरकतें तुम लोग कर रहे हो यार, फिर उसमें और तुम में फर्क क्या है? ये तो वही बात होगी कि भाई जो थूक के चाटने वाला काम कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। लेकिन वहां पर उस वीडियो में तुम सलमान खान को यार क्या बोल रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो कि तुम्हें अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए, तुम्हें नई नई एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहिए, नए नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए। अरे मेरा भाई साहब, जो भी डायरेक्शन देना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, दो, लेकिन उस बंदे की अपकमिंग मूवी आएगी, उसका पोस्टर रिलीज होगा या उसकी मूवी रिलीज होगी, तो उसमें बोलो, क्रिटिसाइज करो, डायरेक्शन तो जो भी फलाना फुलाना करना समझ में आता है, लेकिन किसी और के वीडियो में अगर किसी और एक्टर का नाम लोगों तो समझ में आता है कि यार तुम लोग साफ क्लिक बेट कर रहे हो या सिर्फ ऐसे अपने वीडियोस को व्यूज के लिए कर रहे हो। यार वो चीजें मत करो, जो तुम्हारी ऑडियंस है उसको चूतिया मत बनाओ, कि तुम लोग हो चूतिया और तुम्हारे फॉलोअर्स उससे भी बड़े चूतिया है, जिसके वजह से तुम लोग आज यहां तक बढ़े हो। लेकिन अब यूट्यूब में इतने सारे रिव्यूअर्स आ गए, इतनी ऑडियंस आ गए, कि अब तुमको इनसिक्योरिटी हो रही है, और इनसिक्योरिटी तुम्हारे पिछले वीडियोस में साफ समझ में आती, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन में समझ में आती, तो यार इस तरह के घूम मत करो। जिस तरह से तुम आगे बढ़े उसी तरह से और बढ़ते जाओ, मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन यार नेगेटिविटी मत फैलाओ यार। और आप हम लोग बात करेंगे, सॉरी यार तुम लोग को दो मिनट ले लिया मैंने, थलापति विजय की अपकमिंग मूवी बीस्ट के फर्स्ट लुक के बारे में। तो यार पोस्टर बहुत अच्छा है, और थलापति विजय के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सर हर अपनी आने वाली मूवी के साथ यंग होते नजर आ रहे हैं। अगर आप इस पोस्टर को देखोगे तो क्या डैशिंग लग रहे, और उनके हाथ में जो गन है यार, इसको बोलते रियल स्टार, जो अपने आप में एक ऐसा करिश्मा लेके चलता है, जो सर कुछ भी करे तो वो एपिक लगता है, और ये पोस्टर भी उतना ही धासु लग रहा है। उसके अलावा इसके जो डायरेक्टर इस पर्टिकुलर मूवी के वो है नेल्सन दिलीप कुमार, नॉर्वे फिल्म फेस्टिवल में उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था, और उसके अलावा 2018 में टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका बेस्ट प्रॉमिसिंग डायरेक्टर के लिस्ट में भी नाम आ चुका है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर मूवी में हमें पूजा हेगड़े नजर आएगी, जो कि अगेन मजा आने वाला, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी इनकी, साथ साथ अनिरुद्ध सर हमेशा की तरह म्यूजिक दे रहे हैं, और अनिरुद्ध सर के लिए इज्जत अपने दिल में बहुत है, उनकी म्यूजिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कुल मिला के देखा जाए तो फिर से विजय एक ऐसी ब्लॉकबस्टर, एक ऐसी मूवी आपके सामने लेकर आने वाले जो फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। अब ये पैन इंडिया रिलीज होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना बता सकते हो कि ये हमें नेक्स्ट यानी कि 2022 में देखने मिलेगी। तो अब आपका क्या ओपिनियन है इस पोस्टर को लेकर वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप लोग विजय सर के फैन हो तो यार जरूर इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप लोग उस वाखड़े के फैन हो तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वाखड़े अच्छे वीडियोस बनाता है, और आई रियली लाइक हिज वीडियो, बहुत ही अच्छा एंटरटेन करता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा गू करता है जिसके बारे में उसको बोलना बहुत जरूरी है। जियो और जीने दो, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तेरे छोटे बाय।